अस्सलाम वालेकुम, दिस मी नादिया फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ टाइटेनियम ग्रुप। एज यू ऑल नो, टाइटेनियम ग्रुप के प्लेटफॉर्म से आपको रिगार्डिंग सेवरल प्रोजेक्ट, चाहे वो रिलेटेड टू रेजिडेंशियल हो या फिर कमर्शियल, टाइम टू टाइम आपको अपडेट प्रोवाइड की जाती है। सो आज भी आपसे जो है मैं इन्वेस्टमेंट रिलेटेड से कमर्शियल प्रोजेक्ट को डिस्कस करूंगी। मजीद मालूम जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए। टुडे आवर टॉपिक इज टोटली अबाउट इन्वेस्टमेंट पर्पज़। जो लोग चाहते हैं कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करें एंड कमर्शियल प्रोडक्ट में जो लोग चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट करें और इंस्टॉलमेंट पे उनको अपॉर्चुनिटी मिले। आज तक जितनी भी जो लॉन्चिंग गई हैं प्लॉट की, कमर्शियल की, सारे कैश पर थे, लेकिन फर्स्ट टाइम इन बैरिया ऑर्चर्ड जो है अनाउंसमेंट की गई है कि आप जो है अपना कमर्शियल प्लॉट अवेल कर सकते हैं, वो भी इंस्टॉलमेंट पर। फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूसिंग कमर्शियल प्लॉट्स इंस्टॉलमेंट इन बैरिया ऑर्चर्ड, जिसमें आपको दो मरला के कमर्शियल के इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिली कि आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आज तक जितनी भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आई है स्पेशली इन प्लॉट्स में, आपको टोटली कैश पर प्रोवाइड की गई है, लेकिन फर्स्ट टाइम जो है बैरिया ऑर्चर्ड की तरफ से ये आपको अपॉर्चुनिटी जा रही है कि अगर आप कमर्शियल प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, वो भी प्लॉट्स के ऑप्शन पर, तो आपको इंस्टॉलमेंट के ऑप्शन जो है आप अवेल कर सकते हैं। एंड यहाँ पर जो कैटेगरी है, बेसिकली इट्स टू मरला कमर्शियल आपको जो है अवेलेबल है यहाँ पर। कमर्शियल प्लॉट की जो फेसिंग फ्रंट है डेट्स 120 फीट, एंड पार्किंग एरिया की बात करें तो डेट्स 30 फीट। कैटेगरी की बात करें तो कैटेगरी यहाँ पे आपको टू मरला के कमर्शियल प्लॉट की इन्वेंट्री मिल जाती है, एज वेल एज ये ओनली प्लॉट्स नहीं हैं बल्कि आपको टोटली प्लाजा के फॉर्म में मिल रहे हैं, जिसमें ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर हैं। एंड आप जो है इसको टोटल जो है ऑल ओवर भी बाय कर सकते हैं, अदरवाइज जो है आप चाहें तो इसके फर्स्ट फ्लोर या फिर सेकंड फ्लोर इस तरह से भी बाइंग कर सकते हैं। कमर्शियल में जितनी भी आज तक जो है इन्वेंट्रीज आई हैं, आपको अपॉर्चुनिटी मिली है कि आप अपार्टमेंट में, शोरूम्स में इन्वेस्टमेंट करें, डेट्स कमर्शियल इन्वेस्टमेंट टू। लेकिन प्लॉट के ऑप्शंस में फर्स्ट टाइम जो है आपको ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि अगर आप प्लॉट के कमर्शियल ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आप इंस्टॉलमेंट पे अवेल कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट की लोकेशन की बात करें तो ये 10 मिनट्स जो है वो रिंग रोड के फासले पर है, एंड 5 मिनट जस्ट फ्रॉम लेक सिटी। कमर्शियल प्लॉट के प्राइस की बात करें तो यहाँ पर आप जो है 25% से जस्ट अपनी बुकिंग करवा सकते हैं, एंड रिमेनिंग जो इंस्टॉलमेंट है वो टोटल कितने ईयर्स पे है, दैट इज़ ओनली इन 1 and 1.5 ईयर तक आपको जो है यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप इन्वेस्टमेंट करें। और बेसिकली इसकी जो मंथली इंस्टॉलमेंट है वो मंथली बेसिस पे नहीं है, दैट्स ऑन क्वार्टरली बेसिस। लाइक यू हैव टू पे योर इंस्टॉलमेंट, विच इज 10% ऑफ द टोटल अमाउंट, वो आपने हर 3 महीने के बाद पे करनी है। तो जो लोग चाहते हैं कि कमर्शियल प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करें, लाइक उनको हमेशा से जो है अपॉर्चुनिटी मिली गई है बट ऑन कैश पे, लेकिन ये फर्स्ट टाइम जो है आप इसको अवेल कर सकते हैं कि आप इंस्टॉलमेंट पे इजीली 1 से 1.5 साल के इंस्टॉलमेंट पे आप यहाँ पर जो है इन्वेस्टमेंट अपने कर सकते हैं। बुकिंग आपकी सिर्फ 25% से होगी। टोटल प्राइस की बात करें तो 1 करोड़ 60 लाख से आप 2 करोड़ के डिफरेंट प्राइसेस में आपको मिलेंगे। इनकी जो 25% है वो आपकी बुकिंग होगी, और रिमेनिंग 10% के मोड ऑफ प्लान पे आपने जो है क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट पे करनी है। बेसिकली यहाँ पर जो कमर्शियल प्लॉट्स हैं, यहाँ पर आपको जस्ट इट्स नॉट टोटल अमाउंट ऑफ लैंड, ये आपको टोटली प्लाजा बना के जो है दिए जाएंगे। एंड इसमें 2 मरला के कमर्शियल हैं, एंड इसमें जो आपके पास फ्लोर्स आ जाते हैं, दैट्स ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर, आप जो है इसको टोटल भी अवेल कर सकते हैं, अदरवाइज जो है आप चाहें तो लैंड में इन्वेस्टमेंट करें या फिर इसके फ्लोर वाइज में इन्वेस्टमेंट करें, यह अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है आपके इन्वेस्टमेंट के लिए। जो काफ़ी क्लाइंट्स हैं वो चाहते हैं कि लाइक ऐसे इन्वेस्टमेंट करें कि उनके कमर्शियल इन्वेस्टमेंट हो, लाइक रेंटल इनकम हो, तो रेंटल इनकम यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, मिनिमम भी आपको यहाँ पे रेंटल इनकम 7 to 9% के रेशियो में है। ऑलमोस्ट जितने भी कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में हम देखते हैं आपको 0.7 to 1% रेंटल रेशियो मिलता है, लेकिन इस कमर्शियल प्रोजेक्ट में आपको 7 to 9% जो है टिल कम्प्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट आपको यहाँ से जो है ये रेंटल रेशियो मिलेगी। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट जो है इसीलिए की जाती है कि आपको जो है एप्रिसिएशन रिक्वायर्ड है, रेंटल इनकम रिक्वायर्ड होती है, सो इसके लिए डैट्स अ गुड ऑप्शन फॉर इन्वेस्टमेंट, क्योंकि यहाँ की पर एनम रेशो की बात करें परसेंटेज में, डैट 7 to 9% आपको जो है यहाँ से प्रॉफिट जनरेट होगी। एंड इसके अलावा अगर सेकेंड रेशो की बात करें, डेट स्टार्टिंग फ्रॉम 25% up to 45%, ये आपकी जो पर एनुअल ईयर जो है यहाँ पे आपके प्रॉपर्टी की वर्थ इंक्रीज होगी।
बेसिकली आपकी कुछ बिजनेस बेकीज होती हैं जिनकी वजह से आप इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट में, यहाँ के जो कीज हैं कि आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें, डेट्स ये कि अट्रैक्टिव प्रोजेक्ट है, अट्रैक्टिव रेंटल इनकम है इसमें आपके लिए, और एज वेल एज़ यहाँ पे जो एप्रिसिएशन है जो कि आप देख सकते हैं पर एनम रेंटल वैल्यू 7-9% है। इसके अलावा प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो आपकी इंक्रीज़ होगी ऑलमोस्ट 25% अप टू 45% डेप तक कन्फर्म रेशियो। एंड इसके अलावा जो है आप चाहें इसको ओवरऑल जो है अपना सेपरेट बिल्कुल इन्वेस्टमेंट कर ले टोटली कमर्शियल में, अदरवाइज जो है आप लैंड पर भी कर सकते हैं एंड फ्लोर वाइज भी कर सकते हैं। सेकेंड एमिनिटीज़ की बात करें तो यहाँ पे मॉडर्न आर्किटेक्चर यूज़ किया जाएगा, इसके अलावा एम्पल कार पार्किंग है, इसके अलावा 24/7 सिक्योरिटी सिस्टम होंगे यहाँ पर। इस कमर्शियल प्रोजेक्ट की जो एक्सेस हैं आप 4 साइड से इसको एक्सेस कर सकते हैं एंड 4 साइड से ही इसकी पार्किंग भी है, एंड यहाँ पर जो ग्राउंड फ्लोर है एंड फर्स्ट फ्लोर दोनों में शॉप्स की अवेलेबिलिटी है। इस कमर्शियल के हवाले से, इस प्रोजेक्ट के हवाले से जो है मज़ीद मालूमात जानने के लिए या फिर बुकिंग करवाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए आप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। फॉर ओवरसीज क्लाइंट्स ये नंबर व्हाट्सएप एंड ईमो पर भी मौजूद है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।